मलिष्का ने रास्ते पर ठोक दिया अपनी कार से लक्ष्मी को और कर दिया मलिष्का ने लक्ष्मी का एक्सीडेंट। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब लक्ष्मी छुपन छुपाई का खेल खेलती हुई मेंटल असाइलम से बाहर चली जाएगी, तभी शालू को लक्ष्मी न मिलने की वजह से शालू पूरे मेंटल असाइलम के अंदर लक्ष्मी को ढूंढेगी। लेकिन मेंटल असाइलम के गेट के बाहर ऋषि आयुष पानी शालू लक्ष्मी के आने का इंतजार कर रहे होंगे और लक्ष्मी शालू को मेंटल असाइलम से बाहर आने में बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, तभी ऋषि लक्ष्मी के लिए टेंशन में आ जाएगा और ऋषि आयुष बानी को कहेगा कि तुम दोनों ने लक्ष्मी शालू को यही मेंटल असाइलम में बाहर आने के लिए कहा था ना हमारी कार के पास। तब यश उनका आयुष कहेगा हाँ ऋषि भाई, और बानी कहेगी हाँ ऋषि जीजू, हमने उन दोनों को यही गेट के बाहर कार के पास आने के लिए कहा था। तब यश उनका ऋषि बानी को कहेगा तो वो दोनों आए क्यों नहीं? तभी बानी कहेगी मुझे नहीं पता। जिसे सुनकर ऋषि को काफी बड़ा शौक लगेगा और ऋषि लक्ष्मी को ढूंढने के लिए जब असाइलम के अंदर जाएगा तभी शालू ऋषि के सामने आ जाएगी और ऋषि शालू को कहेगा कि शालू लक्ष्मी कहाँ है, तुम लक्ष्मी के साथ थी ना? तभी शालू कहेगी हाँ लक्ष्मी दी मेरे साथ ही थी, लेकिन लक्ष्मी दी फिर कहाँ चली गई मुझे नहीं पता और मैं लक्ष्मी दी को ही कब से ढूंढ रही हूँ, वो कहीं नहीं मिली। जिसे सुनकर ऋषि बिना समय गवाए परेशान होकर रास्ते पर लक्ष्मी को ढूंढने के लिए चला जाएगा, जहाँ पर जब ऋषि मेंटल असाइलम के बाहर रास्ते पर लक्ष्मी को चारों ओर ढूंढेगा और लक्ष्मी ऋषि को मेंटल असाइलम के आसपास कहीं नहीं मिलेगी, तभी ऋषि जोर से परेशान होकर चिल्लाएगा लक्ष्मी तुम कहाँ हो, जहाँ पर तभी लक्ष्मी को दिखाया जाएगा और लक्ष्मी छुपन छुपाई का खेल खेलते हुए मेंटल असाइलम के बाहर रास्ते की ओर चली जाएगी और मेंटल असाइलम से दूर रास्ते पर पहुंच जाएगी और आगे बढ़ती जाएगी और कहेगी कि ऋषि वो शालू मुझे ढूंढने क्यों नहीं आई। मलिष्का लक्ष्मी को मारने के लिए अपने ड्राइवर के साथ सड़क पर आ रही होगी और लक्ष्मी को अपने सामने देखेगी, तभी मलिष्का सड़क पर अकेले लक्ष्मी को अपने सामने देखकर मन में काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और अपने ड्राइवर को मलिष्का कहेगी कि वो लड़की जो सामने आ रही है ना उसके ऊपर तुम्हें कार चलानी है, उसको ठोक कर तुम्हें उसका एक्सीडेंट करना है। यह सुनकर ड्राइवर को काफी बड़ा शौक लगेगा और ड्राइवर मलिष्का को कहेगा कि ये मैम आप क्या कह रही हैं, मुझसे नहीं होगा। तभी मलिष्का पैसों का लालच देती हुई ड्राइवर को कहेगी कि मैं तुम्हें इसके लिए बहुत सारे पैसे दूंगी, तुम जितना मांगोगे उतना दूंगी। यह सुनकर ड्राइवर मलिष्का से पैसों की डील करके लक्ष्मी का एक्सीडेंट करने के लिए अपनी कार को तेज चलाएगा, जहाँ पर लक्ष्मी नजदीक आने वाली होगी और ड्राइवर का जब माइंड चेंज होगा कि लक्ष्मी का एक्सीडेंट नहीं करना है, तभी मलिष्का जबरदस्ती जोर से ड्राइवर के स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लेगी और लक्ष्मी की ओर कार को घुमा देगी और तेज कार से लक्ष्मी की टक्कर हो जाएगी और लक्ष्मी के हाथों से ऋषि वाला डॉल गिर जाएगा और लक्ष्मी बहुत दूर जाकर गिर जाएगी, जहाँ पर लक्ष्मी के सर पर बहुत बड़ी चोट आएगी और खून से लथपथ होकर लक्ष्मी वहीं सड़क पर बेहोश हो जाएगी और मलिष्का मन में हंसती हुई वहाँ से चली जाएगी। और लेकिन जब ऋषि लक्ष्मी को ढूंढते हुए आगे सड़क पर आएगा और सारे ड्राइवर और कार वालों को एक एक करके पूछेगा और लक्ष्मी का फोटो दिखाते हुए कहेगा कि आपने इस लक्ष्मी को देखा है, उसके हाथ में एक छोटा सा डॉल था, तभी यह सुनकर एक कार का ड्राइवर कहेगा हाँ एक लड़की का आगे एक्सीडेंट हुआ था और यही कपड़े पहने थे उसने, शायद वही है वो। जिसे सुनकर ऋषि को काफी बड़ा झटका लगेगा और ऋषि आयुष पानी के पास आकर अपनी कार लेकर लक्ष्मी के पास जब जाएगा, तभी बीच सड़क पर ऋषि को लक्ष्मी कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ ऋषि को बीच सड़क पर खून मिलेगा, जहां पर एम्बुलेंस लक्ष्मी को हॉस्पिटल ले जा चुकी होगी। और लेकिन मलिष्का लक्ष्मी का एक्सीडेंट कर देगी और लक्ष्मी नहीं रहेगी। तो इसके बारे में एक शब्द में आपकी राय जरूर बताएं और अब लक्ष्मी की याददाश्त आनी चाहिए और मलिष्का की असली सच्चाई ऋषि के सामने आनी चाहिए क्या नहीं, और आपको ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी किस तरह पसंद है एक या फिर अलग, और कितने ज्यादा ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी पसंद है ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।